अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 को हल करने के लिए या शुरू करने के लिए कुछ चीजें हैं वो डिस्कस करनी होती हैं। तो वो आपको मैं बताता चलूं कि जब आप एक्सरसाइज 5.2 हल करेंगे तो ये आपको जरूर ज़हन में रखनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रायंगल और इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिगार्डिंग है। ये मिसाल के तौर पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कंसीडर करें कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ये होता है कि एक जो एंगल होती है वो कम से कम 90 डिग्री की होती है, ठीक है। ये ऐसे समझ लें कि ये जो सी डिग्री है ये जो है वो 90 डिग्री की है, और ये जो है 45 हो सकती है या 60 हो सकती है, या मतलब के लेस देन 90 होगी, और ये भी इसी तरह से लेस देन 90 होगी। तो ये 45 होगी तो ये भी 45 होगी, अगर ये 30 होगी तो ये 60 होगी, अगर ये 30 होगी तो ये 60 होगी। और याद रख लें कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि एक जो ट्राइंगल है उसकी जो सारी एंगल्स को अगर जमा किया जाए, मजमुआ किया जाए, सम किया जाए, तो वो उनकी एंगल्स का मजमुआ जो है वो सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब मिसाल के तौर पर हमने एक ट्राइंगल बना दिया, इस एंगल को हमने थीटा कहा, इसको हमने मिसाल के तौर पर फाई कहेंगे या 90 माइनस थीटा कहेंगे। इस एंगल को हमने नाम दिया ए, इस एंगल को हमने नाम दिया बी, और इसको एंगल को हमने नाम दिया सी। इस साइड को जो है हमने स्मॉल सी का नाम दिया, इस साइड को हमने स्मॉल बी का, और इस साइड को हमने स्मॉल ए का। साइडें जो है स्मॉल के साथ, एंगल्स जो है वो कैपिटल लेटर के साथ हम शो कर सकते हैं। तो अब ये याद रखें कि विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, इसका नाम है थीटा, ठीक है। इसको इसकी निशानी इस तरह है, क्योंकि यहां स्मॉल बनी हुई है, ये क्लियर नहीं है, ये देख रहे हैं, ये इसको थीटा कहते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है। विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल ये जो है वो बेस है, और ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस से, ठीक है। तो अब जब हम साइन बनाते हैं, साइन एक रेशो है दो साइड्स का, दो रेशो साइड्स का, मतलब परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेन्यूस साइड का रेशो, उसको हम कहते हैं साइन विद रेस्पेक्ट टू दिस थीटा एंगल। ये ध्यान में रखें, इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से साइन थीटा मतलब हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की जगह पर ए है, हाइपोटेन्यूस की जगह पर सी है, इसको हम ए अपॉन सी भी लिख सकते हैं। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, आगे जाकर ये बहुत काम आएगी। और इसी तरह से कॉस थीटा क्या है, विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस को हम कहते हैं कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ये साइड और हाइपोटेन्यूस का रेशो क्या बनाता है, कॉस थीटा, या कॉस थीटा इन दोनों की रेशो को कहते हैं बेस और हाइपोटेन्यूस। बेस की जगह पर हमारा बी है और हाइपोटेन्यूस की जगह पर हमारा सी है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन सी। इसी तरह से बारी आती है टेंजेंट की, टेंजेंट हमारा हो जाता है, टेंजेंट थीटा हमारा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, मतलब के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन दोनों साइड्स की रेशो को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट विद रेस्पेक्ट टू दिस थीटा एंगल। एंगल को आपने जरूर याद रखना है, एंगल चेंज होगी तो सिनारियो चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से परपेंडिकुलर हमारा ए है और बेस हमारा बी है, तो ये हम टेंजेंट थीटा को हम ए अपान बी भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। इसी तरह से कॉस जो होता है इनवर्स होता है साइन का, या साइन जो है वो कोसेक का इनवर्स होता है, कोसेक, कॉस नहीं कोसेक, कोसेक साइन का इनवर्स होता है, या साइन कोसेक का इनवर्स होता है, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर साइन ए अपान सी है तो कोसेक सी अपान ए हो जाएगा। इसी तरह से सेक जो है वो कॉस का इनवर्स है,
या कॉज सेक का इनवर्स है। अगर कॉज हमारा बी अपान सी है तो कॉज सेक हमारा सी अपान बी होगा। सेक याद रख लें, ये दूसरे एक दूसरे के इनवर्स हैं। अपान का मकसद यही है कि ये इनवर्स है। इसी तरह से कॉट टेंजेंट का इनवर्स है या टेंजेंट कॉट का इनवर्स है, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अगर टेंजेंट हमारा ए अपान बी के है तो कॉट हमारा बी अपान ए के हो जाएगा। ये आप जहन में रखें, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपने जहन में रखनी, आगे जाकर आपको यूटिलाइज करनी है। क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 2.3 में बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक्सरसाइज है, लेकिन उसको हल करने के लिए ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये रेशियोज जो है वो डिस्कस इसलिए होती हैं, कभी हमें किसी भी ट्रायंगल की साइड मालूम करनी होती है, कभी किसी ट्रायंगल की हमने एंगल मालूम करनी होती है, तो ये चीजें हमने यूटिलाइज करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान में रखें कि हमारे पास पॉइंट टू पॉन्डर ये है कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं कार्टेशियन प्लेन में, मतलब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव। और याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होते हैं, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये साइन है, कॉज है या टेंजेंट है या सेक है, कोसेक, सारी जो छह के छह ये जो फंक्शंस हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव कंसीडर होते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव कंसीडर होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव कंसीडर होते हैं। ये पॉइंट टू पॉन्डर है, याद रखें। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट और कॉट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे चार जो बाकी बच गए वो सारे नेगेटिव होंगे। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज और सेक जो हैं पॉजिटिव कहलाते हैं, बाकी सारे चार के चार रिमेनिंग नेगेटिव कहलाते हैं। तो आगे जाके एक्सरसाइज 5.1 इन चीजों पर फोकस्ड है। इन अबव क्वाड्रेंट आर ऑल पॉजिटिव एट देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस एंड आर नेगेटिव एक्सेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ऑल अदर्स। मतलब कहने का यह है कि सिवाय फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाकी सारे जो अपनी जगह पर यहां पर खड़े हैं पॉजिटिव हैं, बाकी सारे अगर दूसरे कंपेयर किया जाए तो वो नेगेटिव है। मसलन इस क्वाड्रेंट में इन दोनों के अलावा बाकी सारे नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में इन दोनों के अलावा बाकी सारे नेगेटिव, इन दोनों के अलावा इस क्वाड्रेंट में बाकी सारे नेगेटिव। इसका कहने का मकसद यही है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ट्रिग्नोमेट्री का ये बेस है, ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। आगे जाकर बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगी, तब जाके आप कुछ हल कर सकेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री का, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। मैं आपको फिर बताता चलूं कि ये कार्टेशियन प्लेन में चार क्वाड्रेंट हैं। चार क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो जो साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेक, सेक और कॉट सारे पॉजिटिव हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट के अलावा सारे नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक के अलावा सारे रेशियोज नेगेटिव। मैं इसमें भी ये बताता चलूं कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के छह फंक्शंस हैं, ठीक है। एक साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेक, सेक एंड कॉट। साइन जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब परपेंडिकुलर की साइड को हमने ए के साथ वादे किया है, हाइपोटेन्यूस को सी के साथ और बेस को बी के साथ। इसी तरह से परपेंडिकुलर की जगह पर ए और हाइपोटेन्यूस की जगह पर सी, तो ये साइन हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी ए अपॉन सी,
और कॉस हो जाएगी बी अपान सी और टेंजेंट हो जाएगी ए अपान बी और इसी तरह से बाकी कोसेक साइन का इनवर्स है, सेक कॉस का इनवर्स है, कॉट टेंजेंट का इनवर्स है। ये आप जहन में रख लें, ये छह रेशो हैं, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है। आगे जाकर हम पाइथागोरस फार्मूला भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे या 5.3 भी स्टार्ट करेंगे। दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।